नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं राशिद अली। देश में कई समस्या बरकरार हैं जिसको लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है। तो आखिर ऐसी कौन सी वो बातें हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष लगातार बोलता है? जाहिर सी बात है, विपक्ष का काम आलोचना ही होता है, लेकिन अगर आलोचना सही मुद्दे पर हो तो जनता भी उनका साथ देती है। और वो ऐसे मुद्दे आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर राहुल गांधी बार बार बीजेपी सरकार को घेरते हैं? महंगाई, गरीबी, अर्थव्यवस्था, काला धन, बेरोजगारी, कई ऐसे मुद्दे, ज़मीनी मुद्दे जो लोगों की रोटी, कपड़े और मकान से जुड़ी हुई हैं शायद। और यही समस्या दशकों से चली आ रही है और यही समस्या हल नहीं होती। जी हाँ, ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए मैं आपको एक सीधा खबर से रूबरू कराना चाहता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्रुगमैन के बयान पर बोले राहुल, चेतावनियों के बावजूद बेरोजगारी से आंखें मूंदे है सरकार। आखिर क्या क्रुगमैन के बयान पर राहुल गांधी ने बयान दिया है और बेरोजगारी से क्यों मूंदे है सरकार, आंखें क्यों मूंद रखी हैं? क्योंकि बेरोजगारी जाहिर सी बात है, सरकार ने सत्ता में आने से पहले, बीजेपी सरकार ने केंद्र सरकार में आने से पहले ये वादा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। जबकि हाल ही में पीएम मोदी का यह बयान आया कि अगर दफ्तर के बाहर कोई युवा, कोई आदमी पकौड़े बेचता है तो क्या वो रोजगार नहीं है? अगर इस हिसाब से रोजगार का मतलब पकौड़े बेचना है तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी तो फिर होनी नहीं चाहिए। तमाम बेरोजगारों को पकौड़े बेचकर रोजगार बनना चाहिए। जी हाँ, तो आखिर इस खबर में है क्या, मैं आपको बताता हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन की टिप्पणी के सहारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया है। राहुल ने कहा है कि कई लोगों की तरफ से दी जा रही चेतावनियों के बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी देश में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या से आंख मूंदे हुए हैं। आखिर ये बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है? क्या देश की अर्थव्यवस्था के कारण? कि देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही थी और जाहिर सी बात है अभी रिपोर्ट आई कि अर्थव्यवस्था ऊपर भी गई है, जो वाकई बीजेपी सरकार की जो काम है वो काबिल तारीफ है। क्योंकि जब उनकी आलोचनाएं हो रही थी तो ऐसा भी आया था कि अब जीडीपी जो कि अच्छी गई है, लेकिन जब जीडीपी नीचे जा रही थी तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के ही नेता बीजेपी सरकार पर हमला बोलने लगे थे। तो वहीं देखते हैं पॉल क्रुगमैन ने क्या कहा था, जिस पर राहुल गांधी ने उनको लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन ने भी इस बात की पुष्टि की है जो हम पिछले 2 वर्षों से कह रहे हैं, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती बेरोजगारी की है। जी हाँ, दुर्भाग्य से हमारे पास एक ऐसा पीएम है जो इसे अनभिज्ञता में जी रहे हैं। उन्हें डर है कि उनका अच्छे दिन का शिगुफा फूट जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं खबर में, आप सीधे देख सकते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये सीधा हमला पीएम मोदी पर किया है, जिसमें ये साफ उन्होंने कहा है कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती बेरोजगारी है। दुर्भाग्य से हमारे पास एक ऐसा पीएम है जो इस अनभिज्ञता में जी रहे हैं। उन्हें डर है कि उनका अच्छे दिन का शिगुफा फूट जाएगा। तो वहीं राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन के भाषण का जिक्र किया जो उन्होंने एक समिट में दिया था। क्रुगमैन ने अपने संबोधन में भारत को लेकर उम्मीद के साथ साथ चिंताएं जाहिर करते हुए कहा था कि भारत वैश्वीकरण की नई ऊंचाइयों को छू सकता है या नहीं, तो इसे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ सकता है। भारत की बड़ी संख्या में कामगार आबादी की ओर इशारा करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता क्रुगमैन ने कहा था कि बड़ी संख्या में प्रोडक्टिव तरीके से काम करने वाले लोग ही अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, लेकिन जब उनके हाथों को काम मिलेगा तब उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भारत काफ़ी पीछे है, जो कि इसके विकास की प्रक्रिया के विपरीत काम कर सकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या का पोषण करने के लिए ज़रूरी नौकरियां भारत के पास नहीं हैं। आपको उनके लिए नौकरियां खोजनी होंगी। यानी कि सीधे तौर पर कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और उसको लेकर कहीं ना कहीं जनसंख्या का पोषण करने के लिए जरूरी है कि भारत में नौकरियां पैदा की जाएं, लेकिन उनके लिए भी नौकरियां इतनी नहीं हैं। क्रुगमैन ने अपनी बातों पर जोर देते हुए यह भी कहा कि अपनी जनसंख्या की बढ़ती उम्र के कारण जापान अब सुपर पावर नहीं रहा, यानी कि बढ़ती जनसंख्या भी एक बिगड़ती अर्थव्यवस्था का कारण हो सकती है। चीन की भी यही हालत है, लेकिन इसके विपरीत भारत के साथ यह स्थिति नहीं है। इसलिए भारत एशिया में यह नेतृत्व अपने हाथों में ले सकता है, पर इसके लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी विकास करना होगा। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा? इसके अलावा उन्होंने भारत के ग्रोथ की 3 वजह बताई। उन्होंने कहा कि पहला कारण है भारत की जनसंख्या और उनकी क्वालिफिकेशन, यानी कि भारत की बढ़ती जनसंख्या और उसकी घटती क्वालिफिकेशन। भारत में सिर्फ कुछ स्मार्ट लोग नहीं हैं, यहाँ क्रिएटिविटी और एंटरप्रेन्योरशिप का सांस्कृतिक भंडार है। इंग्लिश की फ्लुएंसी महत्वपूर्ण है, यह मायने रखता है कि आपके पास वर्किंग एज के कितने लोग हैं। जी हाँ, क्रुगमैन ने कहा कि भारत के पास दूसरा एडवांटेज है कि भारत अब भी एक गरीब देश है और कटिंग एज तकनीक से काफ़ी दूर है। यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन यह आपको कैचअप का मौका देती है। अगर आप तकनीकी रूप से आगे हैं तो आप इमर्जिंग एशिया का ग्रोथ रेट हासिल नहीं कर सकते। यानी कि उन्होंने ऐसे कारण बताए कि जिस तरह से कहीं ना कहीं बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। जाहिर सी बात है, बढ़ती जनसंख्या में आखिर बीजेपी सरकार क्या करेगी? बीजेपी सरकार का क्या दोष है? जी हाँ, बढ़ती जनसंख्या को तो लोगों को ही काबू करना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी में सरकार कर सकती है। जी हाँ, सरकार ने जो वादा किया हर साल 2 करोड़ युवाओं को, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का, तो जाहिर सी बात है सरकार उस पर विफल नजर आई है। अगले साल 2019 में लोकसभा चुनाव हैं, तो क्या इससे पहले सरकार कुछ ऐसा करिश्मा दिखाए कि जिससे जनता जो है खुश हो जाए? क्या सरकार महंगाई को कम करेगी? क्या सरकार गरीबी को हटाएगी? क्या सरकार काला धन वापस लाएगी? क्या सरकार सबके अकाउंट में 15 लाख लाएगी? क्या सरकार किसानों की हालत अच्छी करेगी? क्या सरकार 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देगी? क्या सरकार अच्छे दिन लाएगी? जी हाँ, यही वादा है, क्योंकि ये सवाल उसी सरकार से होगा जिस सरकार ने यह दावा किया है। जाहिर सी बात है, यह सवाल कांग्रेस से नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने ये वादा नहीं किया। अगर उनकी सरकार होती तो उनसे ज़रूर सवाल होता, लेकिन सरकार बीजेपी की है तो इस सवाल उससे होना लाजमी है। और जाहिर सी बात है, आरोप कांग्रेस पर भी लग सकते हैं और लगते हैं, क्योंकि जब उनकी सरकार रही तो उन्होंने किस गति से काम किया। जाहिर सी बात है, अगर बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई का मुद्दा आज से नहीं बल्कि पिछली सरकारों से है, कांग्रेस शासनकाल से भी रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस पर कोई बखूबी काम नहीं किया। लेकिन कांग्रेस ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन अगर बड़े बड़े वादों के साथ ये बीजेपी सरकार आई है तो उनमें से कितने वादे इन्होंने पूरे करे, ये सोचने वाली बात है। अर्थव्यवस्था को लेकर बात हो रही है, बेरोजगारी को लेकर बात हो रही है। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी समस्या आज के समय में जो बेरोजगारी का मुद्दा बना हुआ है, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं और वो लोग इस उम्मीद में हैं कि आखिर सरकार ऐसे क्या सोर्सेस उत्पन्न करे कि जिससे बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाए। शहरी इलाकों से हटकर अगर आप गैर शहरी इलाकों में जाएंगे, गाँव में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं जो गाँवों से शहर की ओर पलायन करते हैं और उन्हें नौकरी भी नहीं मिलती, और उन्हें नौकरी इतनी भी मिलती है शायद जिन्हें वो इस महंगाई के दौर में शायद अपना खर्चा भी ना चला पाए। जी हाँ, ये हाल है मौजूदा। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष जो है राहुल गांधी, वो समय समय पर इसको लेकर बोलते रहते हैं और कहते रहते हैं कि आखिर ये कब तक महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी आखिर कब तक चलती रहेगी। और जाहिर सी बात है, ये सवाल जो है सरकार को जो है जनता भी पूछती है सरकार से, और सरकार पर यह सवाल बनता है और उनकी जिम्मेदारी है कि आखिर उन्होंने इस काम में अब तक क्या किया है। और जनता को इंतज़ार है कि सरकार इन सभी सवालों का जवाब कब देगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।